जी नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं? हेलो हेलो, हाँ नरेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं? नहीं सर, नहीं, नरेंद्र जी पे मैं उनके साथ काम करता हूँ, वो नरेंद्र जी के साथ काम करता हूँ। क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं सर? हम लोग जो प्राइवेट कंपनी है उसी में हम लोग सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, काय का? सिलाई सिलाई, कपड़ा सिलाई। अच्छा, नरेंद्र सिंह जी भी यही काम करते हैं? जी जी, यही काम करते हैं। चलो बताइए बताइए। हम लोग दर्जी हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो गुरुदेव, अक्सर मैं आपसे ये, मैं बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहता था, आपकी वीडियो वगैरह मैं अक्सर देखता हूँ। ये नरेंद्र जी ही दिखाए आपके बारे में, ये आदमी जो है। हाँ, ये नरेंद्र सिंह जी जो है ना, ये थोड़ा सा आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि मैं आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता हूँ और बड़ा ही अमल करता हूँ उस पर। लेकिन ये देखिए, मेरे प्रवचन का उद्देश्य कोई लड़ाई झगड़ा करना या किसी जाति धर्म संप्रदाय का अपमान करना नहीं, तो वास्तविक यथार्थ हमारे पूर्वजों ने जो कुछ किया है और जो कुछ हो रहा है तो उससे यथार्थ रूप से अवगत करवाते हैं। और आज भी अगर हम इन लोगों को गले नहीं लगाएंगे, दलित आदिवासी पिछड़ों को, और वो पुरानी मानसिकता और पुराने साथ पुरानी परंपराओं की गीत गाएंगे, तो समाज और देश आगे थोड़ी बढ़ पाएगा। जी 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 सर जी, बहुत अच्छा। मुझे यही बात आपकी जो है ना, बहुत प्रभावित करती है। और जब से मैं आपको सुनना और समझना शुरू किया हूँ, तब से समझिए कि मेरी जो आंखें है ना, वो खुल गई है। पहले तो मैं ये नरेंद्र जी की बातचीत में काफी प्रभावित रहता था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इस चीज से निकलने लगा हूँ और अब मुझे समझ में आने लगा है कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। तो गुरुदेव, मेरे कुछ सवाल थे आपसे। जैसे ये कहते हैं हमसे, ये कहते हैं हमसे कि आप या तो खुद जवाब दो, नहीं तो अपने वो क्या नाम, अपने गुरु जी से पूछ के बताओ, जिनको गुरु मान के बैठे हो। तो अब मैं इनसे थोड़ा जीत नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये थोड़े से बहुत बुद्धिजीवी, हमसे उम्र में भी ज्यादा बड़े हैं। तो दो चार सवाल है, पूछ लूं क्या आपसे? जो ये पूछते हैं मेरे से। जी जी, क्या है? जैसे अभी आज का जो वीडियो हम लोग देख रहे थे, नहीं अभी आज जो आपने गीता पर बनाया है, जो जो जो। तो गीता वाला वीडियो पर आपने एक अध्याय आपने वो किया है ना, वो निष्कर्म, यानी निष्काम कोई काम नहीं हो सकता, यानी कोई भी व्यक्ति, और आपने कहा कि इस पर दुनिया का कोई भी विद्वान मेरे से आकर के डिबेट कर सकता है, मेरे से चर्चा कर सकता है, फलाना दिन का ऐसा ये कह रहे हैं। वो तो फिर कोई विद्वान आएगा तो फिर बात करेंगे उससे। नहीं नहीं नहीं, हाँ वही 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 मैं कह रहा हूँ। तो ये पता है क्या मेरे से कह रहे थे उस लाइन पर? ये कह रहे थे कि आपके गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई भी कर्म निष्काम नहीं होता। तो फिर कह रहे, अच्छा एक बात बताओ, तो फिर अपने गुरु जी से पूछो कि फिर बुद्ध का जो तृष्णा रहित कर्म था, यानी कि जिस तृष्णाओं को त्याग करके और जो बुद्ध निर्वाण की तरफ जाने की बात करते थे, उसका मतलब क्या हुआ? नहीं, वो तो फिर बुद्ध पे कभी चर्चा करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा वो क्या वो नहीं, नहीं, तो नहीं, क्या नहीं, तो बता नहीं, नहीं, नहीं गुरुदेव नहीं, ये अक्सर उसी चीज पर हमको फंसा देते हैं। अभी ये कह रहे हैं, देखिए आप देखिए क्या है कि आप देखो, मैं तो कोई बुद्ध पे तो बोल नहीं रहा हूँ, बुद्ध पे जब बताऊंगा तो फिर बताऊंगा ना सर। ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे ना, आपके गुरु जो है ना, वो जो अपना गिनके, देखिए हम तो किसी के गुरु नहीं है, और देखिए हमारा तो हमने जो रिसर्च किया है वो बता दिया। अगर आप मानते हैं ना सर, नहीं हम आपको गुरु मानते हैं ना सर, आप हमको अच्छा लगे तो मानिए, उसको नहीं मानना तो कोई बात नहीं। नहीं, आपने डिबेट के लिए चैलेंज दिया ना है सर, तो इसलिए ये कह रहे हैं। अब आप तो डिबेट तो बगल में क्या कह रहे हैं? नहीं, बगल में बैठ के देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए आप गुरु जी डरने लगे, भागने लगे। डरने भागने वाली बात नहीं है, देखो मैं बहस भी करूंगा, बहस करेंगे तो फिर वो कोई बड़ा विद्वान आएगा। नहीं, बात बहस की बात नहीं, नहीं बहस की बात नहीं कर रहे, मेरे भी तो संख्या का समाधान होना चाहिए ना। अभी देखिए, ये देखिए आपका यूट्यूब का चैनल खोल के देखो, जानते क्या दिखा रहे हैं? दिखा रहे हैं कि देखो इन्होंने कमेंट, इन्होंने अबाउट सेक्शन में लिख रखा है कि क्या नाम है, ये बुद्ध के बारे में लिख रखा है। आपने कोई कमेंट सेक्शन में ऐसा कुछ लिखा है क्या कि बुद्ध विचारधारा की तरफ बढ़ाना है लोगों को, और आप कह रहे हैं कि हम बुद्ध की बात नहीं करते? बुद्ध बुद्ध एक रैशनलिस्ट व्यक्ति थे और मानवतावादी बुद्धिवादी थे, उनकी जो थोड़ी लो, बाकी आप ये थोड़ी कह रहे कि बौद्ध धर्म को अपना लो और बुद्ध के चेले मैं तो गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को मानता हूँ और आपसे ही सीखा है। तो ये ऐसा नहीं है, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि मेरी बात को भी 100% मानो, मेरा ऐसा कहना बिल्कुल नहीं है। नहीं तो जब आप अब देखिए बगल में बैठ के क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके बगल में बैठ के क्या उनसे बात करा दो तो, देखिए आप हमने रिसर्च करा, हमने बता दिया आपको, पूरा खोल के बता दिया। आप रिसर्च में नहीं, आप नहीं सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि आप
यही चैलेंज दिया है ना कि आप किसी भी विद्वान से आप डिबेट करने के लिए तैयार है या कोई सवाल करने, ये तो डिबेट आप करेंगे कहाँ, आप बताइए ना कि आप डिबेट करेंगे हमारे डिबेट नहीं, डिबेट आप करेंगे ऑनलाइन करेंगे ना, ऑनलाइन करेंगे कहाँ पे करेंगे, आप तो किसी कोई शंकराचार्य वगैरह कोई गीता का विशिष्ट, मैं ही करना चाहता हूँ, मैं ही करना चाहता हूँ आपसे डिबेट थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए मैं आपका शिष्य हूँ, मैं ही आपसे डिबेट करना चाहता हूँ, और डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, अपने कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ, कुछ शंका समाधान चाहता हूँ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं देखिए वो शंका समाधान तो भाई अभी तो आप मेरे तो रिसर्च को समझ ही नहीं पाए, मतलब मेरे नहीं, तो आप नहीं, आप कोई इसरो और नासा में कोई चीज नहीं, आप इसरो और नासा की कोई चीज थोड़ी है कि आपका रिसर्च ऐसा है कि कोई समझ नहीं पाएगा, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ आपसे, सुनो सुनिए सर, आप अपने आप को इतना भौकाली बाबा मत बनाइए कि अब आपका रिसर्च कोई समझ नहीं पा रहा, ये नहीं, ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि आप फिर गीता को नहीं समझ पा रहे, आप महाभारत को नहीं समझ पा रहे, आप रामायण नहीं समझ पा रहे, ऐसे तो कोई भी कह देगा, आप कोई वो नहीं है, क्या है आपकी आपकी रिसर्च नहीं समझ पाएगा, आप हिंदी में लिखते हैं ना, हाँ बहस करना चाहता हूँ मैं आपसे, बहस करना चाहता हूँ, और अभी कॉल डिस्कनेक्ट करके भागिएगा नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट करके भागिएगा नहीं, मेरे सिर्फ दो सवाल हैं आपसे, मेरे सिर्फ दो सवाल हैं और दोनों सवाल के जवाब हमको चाहिए, बिना जवाब दिए अगर आपने निकला तो फिर मान लिया जाएगा कि आप भी भगोड़े आदमी हो, झूठ बोल रहे हो, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। देखिए क्या है कि अभी मैं आपको को जानता नहीं हूँ, आप कौन है क्या है, अरे बता तो दिया, दर्जी हूँ यार, अब क्या बताऊँ आपको, घर का एड्रेस दे दूँ, दर्जी हूँ, कपड़े सिलता हूँ, बात करिए मेरे से। जी जी बताइए। हाँ मैं कह रहा हूँ, आपने कहा ना कि निष्काम निष्काम तो कोई नहीं है। आप बताइए निष्काम का मतलब क्या समझते हैं आप, ये बताइए। अरे अब हम ही समझते तो फिर आप क्यों समझना क्या चाहते हैं, आप अगर समझते तो आपसे क्या समझने की कोशिश करते, हम यही तो कह रहे हैं कि आप निष्काम पर क्या भावार्थ ले रहे हैं, आप निष्काम कर्म को, जैसे मैं आपकी वीडियो जब देख रहा था, पूरा प्रवचन देखिए, मेरे पूरा प्रवचन बता दिया, मैं बता देता हूँ, मेरी बात सुनिए, सुनना भी सीखिए तभी तो जवाब दीजिएगा ना, सुनना सीखिए, मैं बहस नहीं करना चाहता, देखिए मैंने पूरा आपको पूरा बता दिया, आप कुछ भी झूठ बोल दीजिएगा, आप कुछ भी झूठ तो बोलो, मुझे क्या कोई पैसा मिल रहा है झूठ बोलने का, सही बोले तो सही बोले तो इतना हड़बड़ा क्यों, आप बताओ आप क्या, अगर आपने सही बोले हैं, आप सही बात कर रहे हैं, आप सत्य हैं, तो सत्य तो आपको सत्य है आप, तो आपको इतनी विचलित होने की क्या आवश्यकता है, इतना ज्यादा अग्रेसिव होने की क्या आवश्यकता है, प्यार से बात कीजिए, एक दर्जी ने फोन लगाया है, आप क्या चाहते हो, मैं ये इनका प्रश्न, अरे सुन करके मामला बात खत्म करिए, मेरा प्रश्न खत्म है, दो मिनट में बात खत्म हो जाएगी, बताइए बताइए क्या है प्रश्न, क्या है आपका, बताइए। हाँ मेरा प्रश्न यही है कि आपने जो कहा कि निष्कर्म यानी कि निष्काम कोई काम नहीं होता, गीता में जो वाक्यांश दिया गया है ये बिल्कुल फर्जी है, रद्द है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं होता, अरे सुन तो लो प्रभु, सुनो पहले, हाँ ये आपने कहा, आपने ये कहा कि जब हम स्कूल में किसी बच्चे को भेजते हैं तो हम निष्काम नहीं भेज देते, हमारी कोई कामना होती है तभी उसको स्कूल भेजते हैं, हम कोई काम करते हैं तो हाँ हम कोई काम करते हैं तो हम निष्काम नहीं करने लगते हैं, हमारे अंदर कोई भावना होती है तभी हम उस कार्य को करते हैं, यानी कि पहले हम सोचते हैं, पहले सपने देखते हैं, तब जाकर के हम उस कार्य को करते हैं, अरे प्रभु आपका प्रवचन नहीं चल रहा है यहाँ, हम सवाल कर रहे हैं, मेरी सवाल पहले सुन लीजिए फिर उत्तर दीजिएगा, आप प्रवचन हर जगह देने लगते हो सर, घर में भी ऐसे ही देते हैं, बताइए आप कह रहे हैं क्या, बताइए फटाफट बताइए। हाँ अच्छा, अब ट्रेन नहीं छूट रही है ना, दो चार चार घंटे का स्ट्रीम करने के लिए आपके पास बहुत टाइम, अगर कोई फोन कर देगा तो आपके पास टाइम नहीं रहता, हड़बड़ा जाते हैं एकदम, आप थोड़ा धैर्य से इनका दो मिनट सुन लीजिए, दस मिनट का समय दिया, मेरी व्यस्तता है थोड़ी सी, ऐसा नहीं है क्या, नहीं कौन सी व्यस्तता है आपकी, चार घंटा स्ट्रीम में बैठ के बड़बड़ बड़बड़ करने के लिए आपके पास बहुत टाइम, देखिए तमीज से बोलिए, तमीज से चार घंटे नहीं बोलता हूँ मैं, डेढ़ घंटा मेरे पास टाइम नहीं, इतना ज्यादा बोलूँ, सत्यान महाराज जी दो मिनट सुन लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, हाँ सुनिए, बात करिए, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, आप कह रहे हो तुम्हारा शिष्य और एक तरफ बहस कर रहा हूँ, भाई आप बता दीजिए निष्काम कर्म तो बहस करेगा, पहले ही तो बहस करेगा, शिष्य ही तो बहस करेगा, क्योंकि शिष्य को समझ में नहीं आएगा तो गुरु जी से पूछेगा,
आप नहीं कहा ना, तो ये तो हमारा अधिकार है। आप भी उस, आप भी वही गुरु है क्या? आप तो ब्राह्मणों को आप ये आरोपित कर रहे थे, ब्राह्मणों को आप ये आरोप लगा रहे थे। आरोपित नहीं कर रहे। अरे सुन तो लो सर, अरे प्रभु सुनो सर, सुनो सुनो, आप ये कह रहे थे, आप ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने पोथी लिख दी, ब्राह्मणों ने ये कह दिया, कहा तुम मान लो तुम। अरे मैंने नहीं कहा ब्राह्मणों का यार, आप भी उन्हीं के चेले हो क्या कि आप भी उन्हीं के चेले हो क्या कि आप भी कह रहे हो कि मैंने जो कह दिया समझ में आया तो मानो, नहीं समझ में आया तो मत मानो। तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? तो मेरा 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 किसी पे विचार थोपने का थोड़ी है भाई, मेरे अपना। तो उन्होंने भी तो अपना विचार दिया है, उन्होंने भी तो अपना विचार दिया है, उन्होंने भी तो अपना विचार दिया है, अपनी बात रखी। आपको समझ में आए तो मानो, नहीं समझ में आए तो मत मानो। इतना बवंडर क्यों करते हो बैठ के? कौन सा बवंडर करा? नहीं अभी तो बवंडर करा नहीं, बवंडर तो कर ही रहे थे ना। हम वही तो पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं, जब आपको निष्काम अर्थ नहीं समझ में आ रहा है या समझ में आ रहा है, हम आपको रिसर्च किया, मैं पूरा बताऊंगा। अरे कौन सा रिसर्च है आपका? कौन सा रिसर्च है सर आपका? ये कौन सा रिसर्च है? आप कैसे शब्दों का यूज कर रहे हो पहले ये बताओ आप। हाँ तो कह तो रहा हूँ, कौन सा रिसर्च है आपका? इसमें कौन सा शब्द गलत बोल दिया? सुन लेके तो उनकी बात खत्म हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल विचलित हो गए, एकदम हाइपर हो गए हैं, हाइपर हो गए, विचलित हो गए। बताइए आप, बताइए बताइए। हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर निष्काम, चलिए गीता में जो निष्काम भाव की बात की गई है, निष्काम कर्म की बात की गई है, वो फर्जी है, गलत है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता। तो मेरा प्रश्न यही है कि बौद्ध मत में, क्योंकि बौद्ध मत भारत का ही है ना, चाइना जापान का तो है नहीं, तो गौतम बुद्ध जो तृष्णा रहित कर्म या तृष्णा से ऊपर हटकर निर्वाण प्राप्ति का जो कॉन्सेप्ट दिया है, उसका क्या मतलब हुआ? कोई व्यक्ति तृष्णा से रहित हो सकता है क्या? ये तो बुद्ध का अनुयायी नहीं हूँ ना, मैंने थोड़ी कहा कि भाई बुद्ध की सब बातें सही है, बुद्ध की सब बातें चाटिए मत, कर थूक के चाटिए मत। अब मैं यही बोल रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है? आपकी वीडियो पे, आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि बौद्ध मत का प्रचार करना है, और अब कह रहे हैं कि मैं बुद्ध नहीं हूँ, लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या आप बैठ के? ओहो, मैंने कहा बौद्ध मत का प्रचार करना है। चलो सुनो, अपना अबाउट सेक्शन सुन लो सर, सत्य के दर्शन का अबाउट सेक्शन सुन लो। क्या है? दिखाता हूँ सत्य के दर्शन, आपका ही चैनल है ना जी। हाँ, इसके अबाउट सेक्शन में लिखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, हमारे चैनल का उद्देश्य जाति वर्ण अंधविश्वास का खात्मा कर अंतरजातीय रोटी बेटी व्यवहार के माध्यम से मानवतावादी बुद्धवादी समाज का नव निर्माण करना है। ये बुद्धवादी क्या होता है? अरे बुद्धिवादी लिखा होगा, बुद्धिवादी, बुद्धवादी लिखा है वहाँ पे, हिंदी पढ़ने आती है, बुद्धवादी लिखा है। जर्नी के चैनल पर खुद हिंदी लिखना नहीं आता। एक मिनट नरेंद्र जी, इनको खुद हिंदी लिखना नहीं आता, अपना ही लिखा इस व्यक्ति को पढ़ने नहीं आता, और ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं गीता पर रिसर्च करता हूँ, मैं रामायण पर रिसर्च करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ ठिकाना करता हूँ। अपने ही चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है अबाउट सेक्शन में कि मेरा अंतरजातीय रीति बुद्धवादी का मतलब ये थोड़ी कि बुद्धवादी, बुद्धिवादी वो लिखा हो सकता है? कहाँ बुद्धिवादी लिखा है? कहाँ बुद्धिवादी? अरे जब आप गलती कर सकते हो तो दूसरे का ठिकरा कैसे ले लिया? पहले अपनी गलती देखो, पहले अपने आप को सुधारो। खुद का समझ में नहीं आ रहा, दूसरे का ठेका लेके बैठे। नहीं महाराज जी, आपने जर्नी के चैनल पर भी बुद्ध का समर्थन किया है कि बुद्ध को मानते हैं भाई। बुद्ध का समर्थन मैंने ये नहीं किया कि बुद्ध की सब बातें 100% सत्य है। तो ठीक है, आधार पर भी आप वीडियो बनाइए। वीडियो नहीं बनाइए। सर अगर नहीं कहा है, अरे सुनिए तो सही, आप हमारी बात तो सुनिए, तुम थोड़े बोलोगे, हमें भी तो बोलो भाई। हमारा ये सुनिए, अरे हमारी बात तो सुनिए। देखिए, कोई भी शास्त्र, कोई भी परंपरा का 100% सत्य होती है, 100% गलत होती है, देश काल परिस्थिति के अनुसार सब कुछ होता है। तो 100% गलत नहीं होती ना, सुन तो लो, अब यही रुक जाओ आप। अगर 100% गलत नहीं होती तो आपके कथन के अनुसार गीता भी 100% गलत नहीं होनी चाहिए, वेद भी 100% गलत नहीं होना चाहिए, मनुस्मृति भी 100% गलत नहीं होना चाहिए। पहले मेरी बात सुनो, आपकी बात कर। आपने कहा ना, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये सभी चीजें 100% गलत, 100% सही नहीं हो सकती। अरे सुनो सर, बड़का शास्त्र ज्ञानी मत बनिए सर,
मैं अज्ञानी हूँ तो एक ज्ञानी का काम बनता है कि पहले वो ध्यान से सुने बातों को। प्रवचन खाली YouTube पे मत बांटिए। क्यों नहीं दे आप थोड़ी देंगे हम तो क्या है आपको कोई आपको उपदेश नहीं देगा। आप है नहीं, नहीं, तो आप उससे विशेषज्ञ हैं। आप हमें ये मत बताओ किस बात का विशेषज्ञ है, किस बात के विषय पढ़ा ही लिखा पढ़ा नहीं जा रहा और विशेषज्ञ बन गए। लिखा है बुद्धिवादी कह रहे हो तो मैंने बुद्धिवादी लिखा है, अपना पढ़ा लिखा ही नहीं जा रहा कह रहा मैं विशेषज्ञ हूँ। किस बात के विशेषज्ञ हो सर आप, ये तो आप कहना क्या चाहते हैं बताइए। लड़ाई करना चाहते हो, झगड़ा करना चाहते हो, आप इसलिए बोल रहे हैं गलती को मान रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं गलती मानी है। नरेंद्र सिंह से बात कराओ, नरेंद्र सिंह से बात करिए पहले। अरे रुको पहले सर, आप मेरा पहले उत्तर दो तब फिर तभी बात करने का। आपको बात करते हैं आप नहीं, आप सत्यानंद महाराज जी हम आपका आपका सम्मान करते हैं। ये थोड़ा हम भी आपका सम्मान करते हैं, आप विद्वान हो, हर किसी आदमी से बात करा रहे हो। आप नहीं हो ना विद्वान, आप नहीं हो विद्वान, ये मानो ना कि आप विद्वान नहीं हो, बात ही खत्म हो जाती है। आप अभी बोल दो कि आप विद्वान नहीं हो, बात खत्म हो जाएगी। अगर विद्वान होते नहीं, अगर विद्वान होते खाली सेलेक्टर लोगों से बात कीजिएगा। अगर आप ज्ञान नहीं, अगर आप ज्ञान देने बैठे हैं तो हर किसी से थोड़ी बात करें, तुम्हें बात कोई मोदी जी है कि आप सबसे बात नहीं करेंगे, आप मोदी जी एक सबसे बात नहीं करें, प्रोटोकॉल लगा हुआ है। देखिए विद्वान से बात करेंगे, विशेषज्ञ से बात करेंगे। तुम तो अभी तो कह रहे थे मैं तुम्हारा चेला हूँ गुरु जी, ने आपसे जिज्ञासा करना चाहता हूँ, ये क्या है, क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है, पूछ क्या दिक्कत है? हर किसी गुरु जी तो भगने लगे, गुरु जी तो भगने लगे, भगने लगे। अरे गुरु जी बाहर बना रहे, मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप भाग रहे। जब मैंने पूछ लिया आपने कहा कि हर कोई 100% सही और 100% गलत नहीं हो सकता, तो मेरा मतलब यही है सर कि जब कोई भी चीज 100% सही और गलत नहीं हो सकती तो क्या ये आपका दायित्व तो नहीं बनता कि जो सही है उसको एक्सप्लेन करें। देखिए देश की सबसे बड़ी समस्या जाति और वर्ण व्यवस्था है, देश की सबसे बड़ी समस्या है। बात किया और तीन बार मिस्टेक करते रहेंगे, अच्छा लगे तो मानो नहीं मानो तो कोई बात नहीं। संघर्ष तो आपके खिलाफ भी होगा ना, संघर्ष तो आपके खिलाफ भी होगा ना, संघर्ष तो आपके खिलाफ भी होगा ना, देखा जाएगा। आप झूठ बोलिएगा आप झूठ बोलिएगा तो आपके झूठ के खिलाफ संघर्ष होगा ना, नहीं होगा? क्या झूठ बोलिए, सही क्या बोला? तो तुमने देश को बर्बाद कर दिया, देश के ठेकेदार हो आप। अरे सुनो, आप देश के ठेकेदार हो, ये देश के ठेकेदार हो आप। क्यों, ये देश हमारा नहीं है, तुम्हारा ही है? मेरा नहीं है, हमारा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है क्या? मेरा नहीं तो तुम जाति धर्म जाति संप्रदाय किसने कहा पे है? तुम जाति और धर्म और संप्रदाय का मतलब ईश्वर की आड़ लेकर के और हिंदू को हिंदू का दुश्मन बनाओगे? नहीं नहीं बनाया हमने, हम तो नहीं मानते भाई, खुद ही दर्जी है। अरे सुनो, हम तो खुद ही दर्जी हैं, हम तो खुद ही दर्जी। तुम क्या गीता के 9 अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि तुम मेरे से बात करो ना, इसी पर बात करो ना, डिबेट के लिए चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ डिबेट के लिए। तुम्हारा दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन मेरे साथ। अरे उनको छोड़ दो आप, मेरे से बात करो, उनको मेरे से बात करो सर, मेरे से बात करो। जो कौड़ी किसमें है और किसमें नहीं है वो तो जब डिबेट होगी तो पता चलेगा। आप डिबेट करोगे या नहीं करोगे ये बताओ पहले, यस या नो? समीक्षा चैनल पर बुला लीजिए इनको, आप भी आ जाओ सनातन समीक्षा चैनल पर। आपको डिबेट के लिए खुला आमंत्रण देता हूँ, ठीक है? आप आइए, सनातन समीक्षा यूट्यूब चैनल है, आपको डिबेट के लिए खुला आमंत्रण देता हूँ। आएंगे या नहीं? गए गए गए